जिंदगी हर पल हर घड़ी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारे चारों ओर बसे हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इन्हीं तजुर्बों को हथियार बनाकर हम अपना मंजिल का रास्ता तय करते हैं। और जब साथ दे दे गूगल और यूट्यूब जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो रास्ता और भी आसान हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं तजुर्बों और यादों के साथ मैं अभिजीत कुंडू आप सबको कुंडू एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आने वाला वीडियोस के बारे में बताना चाहूंगा। आप जानते हैं, मैं कुछ दिन पहले एक पीएफ ईसीआर कन्वर्टर टूल्स आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि 12% रिडक्शन रेट के हिसाब से फिक्स किया हुआ है। लेकिन आप सब जानते हैं, हाल ही में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले दिनों में 3 महीने के लिए डिडक्शन रेट घटकर 10% किया जाएगा। तो उस वक्त पे वो टूल्स मेरा काम नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं उसका एक दूसरा वर्जन बना रहा हूं, जिसमें रेट जो है वो फ्लेक्सिबल किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप उसमें रेट्स डाल पाओगे, उस हिसाब से आपका ईसीआर बन जाएगा। और इनके साथ मैं बताया था कि मेरा जो जीएसटी इनपुट रिकॉन्सिलेशन टूल्स है, उसका भी मैं रिलीज टूल आ रहा हूं, जो बहुत फास्ट भी होगा और ज्यादा एंट्रीज भी होगा, और उसमें एक अच्छा शॉर्टकट भी मैं बनाने वाला हूं। तो अभी चलते हैं आज के विषय में। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि मेरा इरादा है, मेरा मिशन है कि मैं पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को और ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्मूथ और ज्यादा सिंपल कैसे करूं, और इसी मकसद से मैंने सोचा क्यों ना जो मेरा अकाउंट्स का जो पुजारी है, जो सीएज है, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उनका काम बहुत आसान हो जाए। मेरा मतलब है क्लाइंट मैनेजमेंट से। अब तक अगर देखा जाए तो एक सीए फार्म में बहुत सारा क्लाइंट होता है, कहीं पे 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे क्लाइंट्स रहता है, और सबका प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए अभी फोल्डर्स में सब डेटा रखना पड़ता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसको ढूंढना बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। तो मैं इसी को दिमाग में रखते हुए देश भर के सारे सीए संसार के लिए, सीए फॉर्म्स के लिए मैंने एक ऐसा टीडीएल डिजाइन किए है, जिससे टैली से ही डायरेक्टली पलक झपकते ही कोई भी क्लाइंट का प्रोफाइल, क्लाइंट का डेटा एक्सेस कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। मेरा जो प्रोजेक्ट है ये आप सबका बहुत काम आने वाला है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है हमेशा, क्योंकि मैं हर वो चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि मेरा प्रोजेक्ट, मेरा जो काम है वो अच्छी तरह सब यूटिलाइज कर सके। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरा वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, ये वो स्टीडियल फाइल है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो स्टीडियल को सबसे पहले मुझे रखना है एक ऐसी जगह पे, जहां पे हम इसको रख के एक बार में कॉन्फ़िगर करेंगे, एक बार में रखेंगे। तो ये कहाँ पे रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये डेस्कटॉप या जो सी ड्राइव है वहाँ पे मत रखिए, ताकि
कभी भी अगर प्रोग्राम फाइल में सिस्टम फाइल में कोई प्रॉब्लम होने से तकनीकी कारण से फॉर्मेट करना पड़ेगा सिस्टम को, तो आपने जो ये टीडीएल फाइल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग करेंगे वो फिर उसके साथ ही उड़ जाएगा, तो फिर बाद में आपके लिए फिर से कॉन्फ़िगर करना बहुत दिक्कत की बात है। तो इसको हम अभी सी छोड़ के, जहाँ पे मेरा विंडोज फाइल है उसको छोड़ के, डी ड्राइव या ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ऐसे जो भी ड्राइव है, जैसे मेरा एफ ड्राइव में मैं अभी यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी एक बार टैली खोल के देख लेते हैं, आपको टैली खोल के दिखा देता हूँ। टैली में देखिए अभी कोई टीडीएल नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी कोई कंपनी खोल लेते हैं। देखिए मैंने एक ऐसे डेमो कंपनी क्रिएट की है, इसको ऐसे खोल लिया। अभी देखिए नॉर्मली जो अपना टैली में रहता है वही मेन्यूज वगैरह दिख रहा है अभी आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टीडीएल जो मैंने अभी दिखाया इसको अभी कॉपी करके इसका पाथ यहाँ पे डालेंगे। तो इसके लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आना है, फिर सिक्योरिटीज़ में आना है, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट नेम में आपका जो सिलेक्शन करना है इस पूरा फाइल नेम को लास्ट तक कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अभी फिर टैली में आके आपका दो ऑप्शन है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो मेरा ये मैनेज टीडीएल वाला फाइल पाथ खुल जाएगा। इसको यस किया हुआ ही है। अभी यहाँ पे इसको पाथ को आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट भी एक साथ दबाने से ये आपका पेस्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेते। देखिए अभी क्या हुआ, वन ऑफ वन लेयर डेट दिखा रहा है। अगर आप ऐसे यहाँ से ना पेस्ट करना चाहते तो आपका ऑप्शंस और एक है, F12 करके आप उसके बाद प्रोडक्ट एंड फीचर्स में जाने के बाद आपको वो पेज फिर से आएगा। चलिए होम स्क्रीन में आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आने के बाद आपका कुछ चेंजेस हो गया है। क्या क्या चेंजेस हुआ है आप यहाँ पे देखिए, क्लाइंट मैनेजमेंट आ गया क्विट से ऊपर में, ये दोनों ऑप्शंस नहीं था, क्लाइंट मैनेजमेंट, फॉर्म प्रोफाइल और ये नहीं था, साथ में ये सब नहीं था। यहाँ पे आपका 10 ऑप्शंस आया है एक्स्ट्रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्लाइंट मैनेजमेंट। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि ये CA फॉर्म के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक ऐसा टीडीएल है जिसके माध्यम से एक CA फॉर्म को जो कुछ भी लगता है नॉर्मली सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए एक बार देखते क्या क्या है। क्लाइंट मैनेजमेंट में जैसे एंटर किया दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अभी लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स कितना हो सकता है, ए अल्फ़ाबेट क्लाइंट्स, बी अल्फ़ाबेट क्लाइंट्स से लेके ए टू जेड अल्फ़ाबेट, मतलब 26 अल्फ़ाबेट क्लाइंट्स यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अभी ए अल्फ़ाबेट क्लाइंट में के अंदर घुसते हैं तो इसमें कंपनी 1 से लेके कंपनी 20, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट में 20-20 कंपनी, मतलब 26 × 20 520 कंपनी यहाँ पे मैनेज हो सकता है, क्लाइंट का प्रोफाइल मैनेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके कंपनी वन में घुसते हैं। अभी कंपनी वन में जो डेटा रहेगा, जो सिस्टम है सारा कंपनी में सेम टू सेम रहेगा। कंपनी वन में घुसते हैं तो पहला ऑप्शन दिखाता है ITR कॉपी। अभी ITR कॉपी के अंदर घुसते हैं तो आपका यहाँ पे 8 साल आएगा। 8 साल, 8 साल मतलब अभी यहाँ पे 2015 से दिख रहा है। आप जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा आप उस हिसाब से इसको सेटिंग करोगे। आपको, हम सबको पता है कि 8 साल का डेटा हम लोगों को रखना पड़ता है CA फॉर्म में, तो 8 साल इसलिए मैंने 8 साल का डेटा का कॉन्फ़िगरेशन किया है। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, उसका भी 8 साल। नेक्स्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसका भी 8 साल। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसका भी 8 साल। ROC एनुअल रिटर्न, उसका भी 8 साल। फाइनल ट्रायल बैलेंस, उसका भी 8 साल का रखने के लिए मैंने ऑप्शंस दिया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अंदर घुसते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर के घुसा तो वहाँ पे आपको और ऑप्शंस नज़र आएंगे। क्या क्या रजिस्ट्रेशन में, क्या क्या, एक मेमोरेंडम हो गया, देन पैन कार्ड, GST, TAN, उद्योग आधार, MSME सर्टिफिकेट, PF रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ESI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर लाइसेंस, कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट,
आईई सर्टिफिकेट प्रोफेशन टैक्स। अभी प्रोफेशन टैक्स में भी पार्ट है, इसके अंदर गया तो ईडब्ल्यूएन एंड आरडब्ल्यूएल। ठीक है, इसमें बताना चाहूंगा, अगर किसी कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेस रहता है तो आपका ईडब्ल्यूएल ज्यादा रहेगा, तो मैंने इसके अंदर में ज्यादा ऑप्शंस नहीं किए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा, 3-4 जितना भी ब्रांचेस है इसके अंदर, इसमें साथ आप लोग टैग कीजिएगा, ताकि इसको जब क्लिक करेंगे हम लोग तो सारा ईडब्ल्यूएल जितना भी है उस कंपनी का सारा सर्टिफिकेट सामने आ जाए। ठीक है, अभी यहां से क्विट करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स प्रोफाइल। कंपनी में जितना भी डायरेक्टर है इसमें देखते हैं, डायरेक्टर 7 डायरेक्टर का ऑप्शन रखा हुआ है, आपका जितना डायरेक्टर रिक्वायरमेंट है उसका यूज कीजिए। डायरेक्टर 1 में घुसते, जो डायरेक्टर 1 में रहेगा सारा प्रोफाइल डायरेक्टर 7 में ही दिखाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से ITR कॉपी, सेकेंड ऑप्शन से ऑडिट रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स या IDP बोल सकते हैं। ITR कॉपी में घुसते तो 3 साल का मैंने ऑप्शन रखा है, क्योंकि डायरेक्टर का लास्ट 3 ईयर्स का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसलिए। ऑडिट रिपोर्ट भी डायरेक्टर का, ऑडिट रिपोर्ट या कंपटीशन बैलेंस शीट जो भी है आप रख सकते हो इसमें। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आते हैं तो ID प्रूफ हो गया, जैसे पैन, DIN, आधार, वोटर ID। सो क्विट करते हैं। जैसे डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2 में भी सेम है, सारा डायरेक्टर में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसलिए बनाया गया है कि इस कंपनी से कॉन्टैक्ट, आपका ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट से अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे हम लोग तो उस कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID या फिर कोई ITR ओपनिंग पासवर्ड वगैरह सेव करने के लिए एक पाथ बनाया गया है, जहाँ से डायरेक्टली हम लोग आराम से काम कर सकेंगे। चलिए इससे क्विट करते हैं। तो जो कंपनी 1 में है उसी तरह से कंपनी 2, कंपनी 3 ऐसा करके, मतलब कंपनी सारा कंपनी में उसी हिसाब से कन्फिगर किया गया है। तो ये तो प्राइमरी प्रीव्यू है, ये हो गया क्लाइंट मैनेजमेंट। बाकी सारा में हम बाद में आएंगे, पहले हम क्लाइंट मैनेजमेंट को किसको, अभी कोई डेटा इसमें डाला हुआ नहीं है। अच्छा, मैं इससे बताना चाहूँगा, इसका जो मैनेजमेंट है इस डेटा और टैली का कंपनी का डेटा से कोई मतलब नहीं है। चाहे ये मैंने एक कंपनी खोला है, मैं दूसरा कंपनी भी खोलता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं और एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, डेमो 2। ठीक है, मैं ऐसे क्रिएट कर लिया एक कंपनी, डेमो 2 में आया। देखिए मैं एक बार बंद कर दिया सारा कंपनी, मेरे पास 2 कंपनी है अभी यहाँ पे, डेमो 2। डेमो में तो दिखाया, अब डेमो 2 में घुसते हैं उसमें भी ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ये डेटा के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये अलग ही चीज़ है, लेकिन हम लोग एक विंडो से सारा कुछ मैनेज कर पाएंगे। अभी क्लाइंट मैनेजमेंट को अभी यहाँ पे मेरा लिंक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके शुरू करते हैं कैसे आपको करना है। चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, हम लोग चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये TDL को रखा है। TDL को आपका डेटा से आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैंने तो आपको सारा चीज़ बना के दे दिया है, लेकिन आपका अभी काम है कि आपको इसमें पाथ डालना पड़ेगा, आपको नेम वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड कीजिए। ठीक है, ओके कर देते हैं। अभी देखिए ये काफ़ी बड़ा TDL डिज़ाइन किया हुआ है। अगर हम अभी लाइन 1 में है, अगर एंड तक जाते हैं तो आप देखिए, मैं एंड पे आया तो 157,032 लाइन है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा TDL है ये, कितना बड़ा TDL बनाया गया है। तो हम फिर से स्टार्ट में आ जाते हैं। आपको कहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ आप उसी को फॉलो कीजिए और उसी को सिर्फ चेंज कीजिए, बाकी कुछ करना मत जाइएगा, वरना शायद ये आपका TDL काम ना करे, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपका TDL काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूँगा,
क्लाइंट मैनेजमेंट के अंदर में जैसे आया तो आपका ए अल्फाबेट कंपनी क्लाइंट तक ठीक है, लेकिन इसके अंदर में जो कंपनी नेम है ये तो ऐसा नहीं रहेगा, ये तो मैंने जस्ट दे दिया आपके लिए कॉम्प A01, कॉम्प A02 ऐसा करके मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी जैसे जैसे आप यहाँ पे डेटा आपका कंपनी का नाम कोई कंपनी का प्रोफाइल डालोगे तो उसका नाम आपको चेंज करना है, तो आपको ये वाला ऑप्शंस जो है यहाँ पे देखिए कॉम्प 01 यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको आपका कंपनी का नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल बनाया है, ठीक है। आप लोग जैसे बहुत सारा फाइल्स फोल्डर बनाते हो, मैंने दो कंपनी ऐसे बना के रखे हैं, ओवीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और एक है कुंडूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ए में ये नाम मुझे चाहिए, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ये नाम मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें नाम में, ये जैसे एपोस्ट्रोफ है इसको आप मत डालिएगा वरना TDL में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो इसको अगर डालना पड़े तो नीचे में कॉमा दे के एस कर दीजिए समझने के लिए, या इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ से एडिट में जाने के बाद रिप्लेस ऑप्शन में आना है, ठीक है। रिप्लेस ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ से जैसे कॉम्प A01 को रिप्लेस करना है तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जो कंपनी का नाम आपका क्लाइंट का जो एक्चुअल नेम है उसको आपको टाइप करना है। मैं डाल दिया ओवी, क्या नाम रखा था मैंने कंपनी का, ओवीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने लिख दिया ओवी इंफ्रास्ट्रक्चर PVT LTD, ठीक है। डॉट वगैरह इग्नोर कीजिए, ठीक रहेगा। रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे वो था वो ऑटोमेटिक वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसको सिर्फ क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके एक बार हम इसको सेव कर देते हैं, सेव करके बंद ही कर देते एक बार, ठीक है। बंद करने के बाद यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि नहीं आया क्योंकि मैंने तो ये खोल रखा था। अभी इसको रीलोड करना पड़ेगा या फिर कंपनी से एक बार बाहर जाके फिर घुसना पड़ेगा। चलिए एक बार रीलोड करते हैं, यहाँ पे फिर क्लिक किया मैनेज TDL में, यहाँ पे फिर से एंटर मारते हैं, देखते क्या होता है। देखिए अभी पहला वाला जो कंपनी वन था ये आ गया ओवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अभी इसके अंदर घुसते हैं, अभी देखिए दिखाई दे रहा है गेट ऑफ टैली लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स ए अल्फाबेट क्लाइंट्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अभी इसका सारा चीज़ मुझे यहाँ पे डालना है। अभी आईटीआर कॉपी अभी यहाँ पे फिर से हम लोग चलते एक बार TDL पे, राइट क्लिक ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से अगर फाइंड भी करेंगे ये तो स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जब नीचे का कोई होगा तो आपको तो डायरेक्टली ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके जाना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार नाम जो है अभी करके पूरा नाम दे सकते हैं, अभी करके फाइंड करते हैं तो आ गया आपका कंपनी का नाम आ गया। इसको नेक्स्ट करते हैं, कहाँ कहाँ है, ये है मेनू अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी देखिए इसमें ITR कॉपी दिया हुआ है, अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ITR यहाँ पे देखिए और यहाँ पे ER दिया हुआ है और ब्राउज पाथ दिया, प्लीज स्पेसिफाई द फाइल पाथ। अब जहाँ जहाँ पे आपका स्पेसिफाई द फाइल पाथ है आपको सिर्फ वही पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने ऐसे 2015 से 22-23 दे दिया है ITR का असेसमेंट ईयर वाइज होता है, तो ये आप चाहे तो अपना हिसाब से इसको चेंज कर लीजिए। आपको लगता है कि 22-23 तो अभी आया नहीं है, अभी क्यों डालेंगे, मुझे तो 8 साल का रखना है। अभी चल रहा है आपका 2019-20 तक ही हुआ है, अभी 2021 का आने वाला है, अभी तक
ठीक है, तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, जो ऐसे लिखा हुआ है इसको रहने दीजिए, इसको एक बार एंटर दबा दिए। मुझे यहाँ से नहीं चाहिए 2020-21 नहीं चाहिए, 21 तक लगेगा, बाकी ये सब नहीं चाहिए। तो इसको काट कर किया, काट करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार टैप दे दिया, दो बार टैप दे दिया। अभी इस साल को हम चेंज कर देंगे, 2000 क्या होगा, 13, 14 और 14, 15 ऐसा करके हम लोग चेंज कर सकते। चेंज करने के बाद अब यहाँ पे 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 ऐसा करके इसका मुझे पाथ देना है, ठीक है। ये ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इसके बाद आप इंटर मार के कोई बात नहीं, स्पेस दे दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ को ध्यान रहे, ये ब्रैकेट्स वगैरह ये सब हटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे कंपनी फाइल में जा रहा हूँ, आपका जहाँ पे वो ITR रखा हुआ है, जैसे ये ITR है कंपनी का, मेरा यहाँ पे इतना साल का रखा हुआ है, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 18, 19, 20, ठीक है, ये 14, 15 से। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, उसी तरह से राइट क्लिक करना है, पाथ एक बार डालना पड़ेगा आपको, एक बार मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में, उसके बाद आपका काम बहुत आसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, स्मूथ होने वाला है। अब फिर से यहाँ से वही फॉर्मूला है, कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। ये मेरा ITR है, ये था आपका कौन सा साल का है, जहाँ से है 14-15 है, तो मैं 14-15 में यहाँ पे स्पेसिफाई जो यहाँ तक है इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल बी से, ठीक है। तो जो मेरा है मैं वहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाकी इसका भी पेस्ट करना है, इसको भी ऐसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस हिसाब से इसको नेमिंग किया है कि मुझे यहाँ पे बार बार कॉपी नहीं करना पड़े। देखिए ITR 2015 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। हाँ, यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूँगा, नॉर्मली हम लोगों का ITR में क्या रहता है ना, पासवर्ड वगैरह रह जाता है आपका, अगर उसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको एक्चुअली किया है ना, मैंने इसको ऑलरेडी प्रिंट एज PDF किया है, तो इसमें मुझे पासवर्ड पूछेगा ही नहीं, ठीक है, पासवर्ड क्रैक्ट ही है, तो इसलिए मैंने इस हिसाब से सजाया है। आप चाहे तो पासवर्ड के साथ ही रखिए, कोई इशू नहीं है। तो इसको मेरा सुविधा कहाँ पे है, मैं अभी क्या करूँगा, नेक्स्ट साल का भी मैं बार बार कॉपी नहीं करूँगा, मेरा कॉपी किया हुआ ही है, इसको पेस्ट करूँगा। देखिए, प्लीज़ स्पेसिफाई द पाथ को रिप्लेस करेंगे, लेकिन आप फाइंड से ऑल्टर से रिप्लेस मत कीजिएगा, क्योंकि ये पाथ बहुत जगह पे ऐसे ही है, सारा रिप्लेस हो जाएगा, आपका TTL बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको कहाँ कहाँ डालना है ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे जो जो चीज़ लगेगा वही पाथ हमको चेंज करना है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं एक ही पाथ क्यों डाल रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा उस पाथ पे, ठीक है। मेरे पास 19-20 तक का था, शायद एक बार देख लेते हैं, 19-20 मैंने सिर्फ 2020 लिख रखा है अपना सुविधा के लिए, समझने के लिए, इसका रीज़न भी है। अभी क्या करना है मुझे, अगर यही रख दिया तो सारा वही एक ही साल का खुलेगा, बार बार एक ही डेटा आएगा, लेकिन लास्ट में मैं सेम करके रखा हूँ, तो इसको 15 के जगह 16 कर दूंगा, क्योंकि बाकी का पाथ मेरा सेम टू सेम है, ठीक है। सिर्फ 2016 यहाँ पे 17, तो ये मेरा सुविधा के लिए मैंने उस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया है, मेरा वो फाइल का नाम उस हिसाब से दिया है। आप जो आपका फाइल का नाम है कहीं पे भी रखे हैं, डायरेक्ट उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा जबकि 13-14 का यहाँ पे है नहीं, तो मैंने उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन इसको हटाना नहीं है। मतलब ये अगर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहा ना, इसको पूरा डिलीट कर देंगे तो वहाँ पे आप एंटर मारेंगे तो का एरर दिखाएगा, ठीक है। अभी अगर आप इसको एंटर मारेंगे तो वहाँ पे कुछ खुलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ITR का, इसी हिसाब से आपका बाकी भी करना है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो ITR मैंने अभी डाला, क्या खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, इसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा,
एक बार रीलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आके सिर्फ एंटर दबाना, क्योंकि पाथ वगैरह कॉपी किया हुआ है, रीलोड कर दिए। अभी फिर से चलते हैं, ए अल्फाबेट कंपनी फर्स्ट में ही है, ऑविज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ITR कॉपी 13-14। मैं एंटर भी मारूंगा, कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि मैंने पाथ दिया ही नहीं, मेरे पास है नहीं फाइल। 14-15 में आते हैं, देखिए जैसे दिया फटाक से मेरा 14-15 का ITR खुल गया, ठीक है। जबकि ये पासवर्ड क्रैक्ड है तो पासवर्ड पूछा नहीं, लेकिन अगर पासवर्ड पूछेगा तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके लिए क्या ऑप्शन है मैं बाद में बताता हूँ आपको। 14-15 चाहिए, 15-16 चाहिए, 15-16 में क्लिक किया, खड़ाक से खुल गया। ऐसे 19-20 तक मैंने डाला है, तो 19-20 तक मेरा जो भी डेटा खुलना है तो एंटर करेंगे तो 19-20 भी मेरे सामने हाजिर है, खुल गया। 20-21 का हुआ नहीं है, डाला नहीं है, तो ऐसे रह गया। ओके, तो ये तो मैंने सिर्फ ITR का किया है, अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट भी डालना है। चलिए करते हैं, जैसे जैसे करेंगे आप वैसे ऐसे आपको डेटा यहाँ पे शो होगा। आपको काम है, आपको प्रोफाइल में आपका कॉन्फ़िगर करना आपका मेन काम है, ठीक है। अभी क्या डालेंगे हम लोग, चलिए उसको जो TDL है उसको दोबारा उस पर आते हैं, फिर से राइट क्लिक, ओपन विथ नोट पैड। अच्छा, इसको एक बार ऑलवेज कर देते हैं। फिर से मुझे कंपनी तक पहुंचना है तो फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड कौन सा कंपनी और वी करके ढूंढने से आ जाएगा। ये तो टैब हो गया, मेन मेनू यहाँ पे नहीं होगा, नेक्स्ट में चलते हैं। ये मेनू है, मेनू में ITR कॉपी का काम हो चुका है, अभी नेक्स्ट है ऑफिस का SAR स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, इसका भी इस तरह से ER डाला हुआ है, 14-15 से किया। आप चेंज करना जो भी साल का चाहिए आप चेंज कर लीजिए आपके हिसाब से, जो जो डेटा है मेरे पास मैं डालता हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट क्या है, DR डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मेरा यहाँ पे डायरेक्टर्स रिपोर्ट मैंने रखा नहीं है, ठीक है, डायरेक्टर प्रोफाइल अलग हो गया, तो अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ, आप लोग डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, ऐसे देखते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मैंने डाल दिया, डायरेक्टर रिपोर्ट, अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ये भी मैंने अभी डाला नहीं है, आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। ROC एनुअल रिपोर्ट, इसका मैंने एक बार फोल्डर बनाया है, देखिए ROC एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो इसका 2015, 16, 17, 18, तो उसका पाथ मुझे डालना है। मेरा वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जो ये आपका फाइल मैनेजमेंट और भी अच्छा करने वाला है। पहले आप लोग समझ जाइए कि एक्चुअली यहाँ पे कैसे हम लोग काम को कर रहे हैं। ये ROC का काम खत्म, नेक्स्ट क्या है, ROC के बाद है फाइनल ट्रायल बैलेंस। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस बनाया होगा उसका भी आप लोग पाथ दे दीजिएगा। तो होता है ना, आप लोगों का जो भी फाइनल ट्रायल बैलेंस होता है उसको एक जगह रखने से ऑडिट के बाद तो आपका काम आता है, तो उसको भी आप लोग ऐसा पाथ देके उसको सजा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, RC मेमोरेंडम। जैसे उस हिसाब से यहाँ पे है वही डालना पड़ेगा, और PDF है तो PDF, अगर ये JPG होता तो यहाँ पे JPG लिखना पड़ता, वरना काम नहीं करेगा आपका। ये कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये PDF में ही करना पड़ेगा, अब कुछ भी फॉर्मेट डालिए, जो फॉर्मेट है .PDF है तो .PDF होना पड़ेगा, ठीक है। PDF का भी है नहीं यहाँ पे, तो PDF छोड़ देते हैं। फिर से टैली पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेरा इतना ही था। अभी नेक्स्ट है डायरेक्टर्स प्रोफाइल, डायरेक्टर्स प्रोफाइल में क्या है, साफ डायरेक्टर का दिया हुआ है, तो डायरेक्टर 1 में चलते हैं, उसमें ITR कॉपी लास्ट 3 इयर्स का। चलिए
मैं एक बार मेरा फोल्डर में चलता हूँ। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्टर प्रोफाइल यहाँ पे है, डायरेक्टर वन, डायरेक्टर टू, मैंने दो डायरेक्टर का लिया एक बार। अभी डायरेक्टर वन का ITR है और ID कार्ड्स दिया हूँ मैं, तो ITR लास्ट 3 ईयर्स का है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। पथ डायरेक्टर वन, अच्छा डायरेक्टर वन का आपका जो नाम है उसको आपको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसको भी रिप्लेस वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टर वन सब कंपनी पे है, तो इसको आपको मैनुअली यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टर वन की जगह सपोज ये हो गया अभिजीत कुंडू, तो यहाँ पे आ जाएगा अभिजीत कुंडू, ठीक है, स्पेस कर दिया, ये उधर जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है, चाहे तो बैक स्पेस भी दे सकते हैं, इसके चलते हैं, आपका TDL में इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा ये अभिजीत कुंडू यहाँ पे आ गया, तो ये DP1 अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ये DP1 चेंज नहीं करना है, लेकिन इसको फॉलो करना है कि ये DP1 जहाँ जहाँ पे है वो ही है अभिजीत कुंडू का पथ, ठीक है, तो 2017-18 का पथ जो है यहाँ पे जो भी है आप यार देख लीजिएगा, मैं ऐसे डाल रहा हूँ, पथ डाल दिए, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी डाल दिए, आप अपना हिसाब से, आपको पता ही आप लोग CA हो, ब्रेन आप लोगों का बहुत शार्प है, इशारा ही काफी है आप लोगों के लिए, मैंने ये 3 साल यहाँ पे रखा था, मैंने 3 साल का डाल दिया, ठीक है, ITR डायरेक्टर का, जबकि ये 17-18 है तो ये 17 नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसे ही डाल दिया, 16-17 का एक्चुअली ये हो गया, चलिए कोई इशू नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट है SAR, ये भी SAR DP1 डायरेक्टर वन, डायरेक्टर प्रोफाइल वन, इसको मैंने शॉर्टकट किया, इसको इसमें मत कुछ भी मत कीजिएगा, आपको नाम चेंज करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका यहाँ पे डायरेक्टर वन दिख रहा है, देखिए आप जैसे खोल रहे हैं डायरेक्टर वन, सिर्फ यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है, डायरेक्टर वन तो कौन है डायरेक्टर, उसका नाम चाहिए, बाकी अंदर में कुछ करने मत जाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो ITR हो गया, अभी ITR के बाद है SAR, अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ITR के बाद है ऑडिट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट हो या जो भी है, तो मैंने SAR कर दिया है, इसको आप चेंज मत कीजिएगा, ठीक है, तो तो ये हो गया आपका SAR, ठीक है, इसके ऊपर में आप कुछ मत कीजिएगा, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं दूसरे जगह से, वो यहाँ से कर सकते हैं लोग, उसको छोड़ दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए वरना ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें भी आपको पाथ डालना है, इसी तरह से आप पाथ डाल दीजिए, मैं दो कंपनी का आपको करके बता रहा या एक कंपनी का आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाओगे। अच्छा यहाँ पे मैंने रखा नहीं है, वो आप लोग डाल दीजिएगा सेम तरह से, मैंने आई कार्ड रखा है, आई कार्ड मतलब आधार पैन वोटर आईडी, डायरेक्टर्स का भी रखना है, तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आते हैं तो इसका पैन डीन आधार वोटर आईडी ऐसा करके, तो सेम उसी तरह से नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चलते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट इस हिसाब से रखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, अच्छा कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहीं नीचे नहीं जाना है, इसका जो ऊपर में ही कंपनी का जहाँ पे मेनू बनाया हुआ है वहीं पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पथ डालना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज स्पेसिफाई द पथ, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने क्या किया, देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग भी कैसे करेंगे, उसका डायरेक्टर्स प्रोफाइल नहीं, कंपनी के इसमें एक नोट पैड बना लीजिए, उसमें आप लोग क्या कीजिए, मेल आईडी डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, कंपनी का आईडी का पासवर्ड, आईटी का पासवर्ड हो गया ITR का, फिर डायरेक्टर का भी ITR का पासवर्ड हो गया, जितना भी डायरेक्टर होगा पासवर्ड, तो अगर आप रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से कॉपी करके आप लोग डाल सकते हैं, तो इसका जो है मैंने एक नोटपैड में कर लिया, आप लोग कोई भी फाइल रख सकते हो, तो इसको भी पाथ पूरा कॉपी करना है लास्ट तक .txt तक, कॉपी करने के बाद
आप यहाँ पे इसको कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। जैसे कर दिया, आपका जो भी यहाँ का प्रोफाइल है, ए का पूरा प्रोफाइल काम खत्म, ठीक है। अभी यहाँ से निकलते हैं, और कोई कंपनी का करना है इसी तरह से करना है, ठीक है। तो इसको हम अभी सेव कर देते हैं, एक बार सेव कर दिए। अभी इसको रीलोड करते हैं एक बार। चलिए, अभी ए अल्फाबेट कंपनी के अंदर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर आईटीआर वगैरह आपको दिखाया ही था मैंने, ऐसा क्लिक करने से खोल जाता है। इसी तरह से आपको जो भी चाहिए, जैसे आरओसी या नॉल रिटर्न हो गया, आरओसी खुल गया, नेक्स्ट साल का चाहिए नेक्स्ट साल खुल जाएगा, जो भी चाहिए मतलब पलक झपकते ही आपको मिल जाएगा सारा चीज़, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस मैंने डाला नहीं है, रजिस्ट्रेशन में आते हैं, मेमोरेंडम में क्लिक किया, मेमोरेंडम हाजिर, पैन हाजिर, जीएसटी हाजिर, टैन हाजिर, सब कुछ बहुत बढ़िया से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। अभी डायरेक्टर्स प्रोफाइल पहला डायरेक्टर का मैंने कॉन्फ़िगर किया है तो अभिजीत कुंडू का नाम आ गया। अभी यहाँ पे दूसरा डायरेक्टर होता तो उसका भी नाम आ जाता। अच्छा, अभी यहाँ पे जाने से पहले मैं दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्लिक किया तो मेरे सामने वो नोटपैड हाजिर हो गया, ठीक है। अभी इस नोटपैड का कहाँ पे ज़रूरत है अभी हम दिखाते हैं। चलिए, डायरेक्टर्स प्रोफाइल में गया, डायरेक्टर्स अभिजीत कुंडू के अंदर में उसका आईटीआर कॉपी देखना है मुझे, 2017-18 में एंटर किया। तो अगर जब एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, एंटर द पासवर्ड। तो अभी क्या करना है, अभी जो नोटपैड में मैं डायरेक्टर वन लिख रखा हूँ, अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा हूँ, नाम आप लोग नाम लिख देंगे, तो इसका कॉपी यहाँ से करके मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पेस्ट। बस आपका आईटीआर खुल गया। ऑडिट रिपोर्ट भी इसी तरह से है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जाने के बाद पैन हो गया, क्लिक किया तो डायरेक्टर का पैन हाजिर। डीन नंबर मैंने डाला नहीं, आधार डाला तो आधार हाजिर, वोटर आईडी हाजिर। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्टर प्रोफाइल। तो ये हो गया एक कंपनी, ऐसे आप 520 तक कंपनी इसमें डाल सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। तो अभी कुंडूस इंडस्ट्रीज जो और एक कंपनी हमने प्रोफाइल बनाया है, तो इसका कैसे पथ देना है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। फिर से हम लोग आते हैं इस पर, ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा कंपनी है, कैसे है, तो के वाला कौन सा कंपनी में होगा, आपने अगर पहले वाला नहीं डाला तो ये फर्स्ट कंपनी है, तो कंपनी कंप K01 को हमको सर्च करना है। आप यहाँ पे सारा कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो कॉम्प K01 जैसे है, आप इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, फाइंड में जाइए, रिप्लेस में जाइए। अच्छा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉम्प K01 और यहाँ पे आ जाएगा कुंडू इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके देख लीजिए एक बार ठीक से, करने के बाद रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पे है वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अभी आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आप क्या करें, इसको कॉपी करके इसको क्लोज कर दीजिए, फिर से इसको फाइंड ऑप्शन में आइए और इसको पेस्ट करके फाइंड नेक्स्ट कीजिए। अभी जैसे आपने किया, देखिए के अल्फाबेट कंपनीज में सबसे पहले कुंडूस आ गया। अब इसको नेक्स्ट कीजिए। अभी कुंडू इंडस्ट्रीज़ का मेनू आपके सामने है। अभी इसी तरह से ये आईटीआर कॉपी का आ गया मेनू, ये आईटीआर कुंडू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप उसको जो जो पाथ आपने रखा है उस हिसाब से पाथ को पेस्ट करता जाइए। एसएआर हो गया, डीपी हो गया,
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गया, आरओसी हो गया, सेम टू सेम आप सबका चीज बात दीजिए, फिलअप कीजिए, तो आपका ये हो गया आपका रेडी क्लाइंट मैनेजमेंट का काम। इस हिसाब से आप सारा कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। ऐसे तो था ही पहला वाला, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जैसे जैसे आप इसको नेम चेंज करेंगे सारा आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, के से हो गया आपका कुंडू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेक्स्ट एम से हो गया आपका मिश्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसा करके आप सारा क्लाइंट मैनेज कर सकते हैं। ये तो गया क्लाइंट मैनेजमेंट। अभी आपका जो फॉर्म है, आपका डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन करना है ना, तो ये फॉर्म प्रोफाइल का ऑप्शंस मैंने इसलिए दिया है, इसमें आपका फॉर्म का सारा चीज आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका लिए मैंने आईटीआर कॉपी दिया है, वो भी 8 साल का, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट 8 साल का, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 8 साल का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका देखिए क्या क्या है, मेमोरेंडम पैन जीएसटी टैन उद्योग आधार एमएसएमई सर्टिफिकेट पीएफ ईएसआई, इसके अलावा यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका मैंने दिया है, और प्रोप्राइटर और पार्टनर्स प्रोफाइल का ऑप्शन दिए हैं। पार्टनरशिप होने से पार्टनर्स हो गया है और प्रोप्राइटर्स होने से प्रोप्राइटर, इसमें जाने से आपको 7 पार्टनर का ऑप्शन मैंने रखा है, प्रोप्राइटर होने से एक ही हुआ, बाकी ये अगर पार्टनर होता है तो पार्टनर 1, 2, 3, 4 इसका भी आप लोग नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टर 1 का किए वैसे पार्टनर 1, 2 करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी हम दिखाते हैं, इसमें अंदर में आईटीआर वही लास्ट 3 साल का मैंने रखा है ऑप्शंस, रजिस्ट्रेशन में पैन आधार वोटर आईडी मेंबरशिप सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इतना मैंने दिया है ऑप्शंस। अच्छा ये हो गया, इसमें आपको करने का क्या है, फॉर्म प्रोफाइल के लिए आपको एक बार टीडीएल ओपन करते हैं, यहाँ पे एडिट में आके फाइंड फॉर्म प्रोफाइल फाइंड आ गए। अच्छा यहाँ पे देखिए आईटीआर कॉपी का ऑप्शन आ गया, फॉर्म प्रोफाइल का ये मेनू आईटीआर कॉपी और ये फॉर्म प्रोफाइल के अंडर में है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आप डालेंगे तो आपका फॉर्म का ये डालना है, एसएआरवी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी जो कुछ भी यहाँ पे है सब आपका फॉर्म रिलेटेड हो गया। ठीक है, PP1 यहाँ पे पार्टनर 1 की जगह आप नाम लिख दीजिए, पार्टनर हो प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर का नाम लिख दीजिए उसका, यहाँ पे कुछ मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ जो आइटम में जो मैं बोला हूँ जहाँ पे चेंज करने के लिए सिर्फ वही पे कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, दूसरे जगह करने जाएंगे तो आपका TDL बिगड़ जाएगा, आपका TDL काम नहीं करेगा, बाकी जगह आप छेड़खानी मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और यहाँ पे जो साल है आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए और उसका पद दे दीजिए, ये हो गया आपका एक काम। ठीक है, नेक्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों के अलावा मैंने देखिए यहाँ पे कुछ मैंने शॉर्टकट कीज दिए हैं, जिससे क्या होगा आपको टैली से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको गूगल चाहिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आपके सामने गूगल आ गया, पलक झपकते ही आपका गूगल आपके सामने है, आपका नेट जैसे स्पीड होगा उस हिसाब से काम करेगा। नेक्स्ट जीएसटी वेबसाइट चाहिए तो जीएसटी वेबसाइट रेडी है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा सा स्लो आ रहा है, ईओए बिल चाहिए ईओए बिल, ऐसे आप सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, एमसी साइट दे दिया, पीए पीएसआई वर्ड एक्सेल क्लिक कीजिए, बार बार वर्ड एक्सेल की जरूरत लगता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप यहाँ से ओपन हो जाएगा डायरेक्ट वर्ड एक्सेल। हाँ ये आपका वर्ड आ गया, आपका यहाँ पे क्लिक किए तो आपका एक्सेल हाजिर है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुंडूज एडुकेशन, यहाँ पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने से आपके सामने मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप सबका चैनल है इनफैक्ट कुंडूज एडुकेशन, ये आपके सामने आगे खोल जाएगा, इसमें आपको सब्सक्राइब को आप जरूर दबाइए और ये बेल
नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा जितना भी वीडियो है सारा आप लोग देख पाए। मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो बहुत काम के लिए होता है। मुझे यकीन है आप लोग सारा मेरा वीडियो देखिए। GST वाला इनपुट रिकन्सिलेशन का मैंने हाल ही में वीडियो बनाया है और उसका भी रिलीज 2 में बहुत जल्द ला रहा हूँ, तो सारा नोटिफिकेशन सबको मिल जाएगा। और देखते रहिए आपका इस चैनल को, हमेशा स्प्रेड कीजिए आप लोग, क्योंकि चैनल जितना ग्रो करेगा उतना ज़्यादा मेरा जो किया हुआ काम है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। तो इसमें आप सबका एक योगदान मैं उम्मीद रखता हूँ आप सबसे। और हाँ, एक तो बात मैंने बताया नहीं, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। एक तो इसको मैनेज करना, आपका कोई भी बंदा हो, आपका जितना भी आर्टिकल्स हो या कोई भी सीक्रेट का कोई बंदा हो, उस वो भी आपका ये कोई भी क्लाइंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आसानी से आप तक दे पाएगा। ठीक है, कोई भी, जैसे मैं बता रहा हूँ ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का, मुझे अगर सपोज़ कोई पैन कार्ड हो, मेमोरेंडम हो, ये चाहिए, तो इसको मेल करना है। प्रिंट करने तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स देना है तो एक बार आप क्या करेंगे, इसको सेव अस कर लीजिए, करके आप एक टेम्पोररी फोल्डर में रखवा दीजिए, चाहे वो डेस्कटॉप में हो गया, एक टेम्पोररी फोल्डर में एक फोल्डर ले लिया ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ऑफिस कर दिया, इसमें आप टेम्पोररी फोल्डर में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप एक बार सेव कर लीजिए। एक बार करके यहाँ से आ गया, इसका हो गया, GST हो गया। मैं दो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर लिए। तो अभी हम लोग अगर डेस्कटॉप में जाते हैं, ये ऑफिस के अंदर में सब मिल जाएगा, यहाँ से आप मेल कर दीजिए, फिर इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक काम। जो इम्पोर्टेंट मैं सेटिंग बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कोई होता है अभी कंप्यूटर में डेटा रखना नहीं चाहता, आजकल सभी क्या करते हैं, इसको आप ऑनलाइन रख दीजिए, गूगल ड्राइव में रख दीजिए। आप, हम एक काम करते हैं, हम गूगल ड्राइव में घुस जाते हैं, एक बार गूगल ड्राइव ओपन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जो फोल्डर है मेरा, मैं इसको एक बार अपलोड कर देता हूँ, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। ठीक है, अभी फोल्डर में क्या करता हूँ, मैं मेरा जो कंपनी प्रोफाइल का जो फोल्डर है, मैं एक बार पूरा इसको अपलोड मार देता हूँ। ठीक है, दिस विल अपलोड द फाइल्स फ्रॉम कंपनी, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, तो मैं इसे एक बार कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं कंपनी प्रोफाइल को एक बार अपलोड कर लिया हूँ, तो इसके अंदर में मेरा जो भी फोल्डर है, इसको क्लिक करने से वो दिखाएगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, तो मुझे अगर पाथ देना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसका सपोज ये GST हो गया, MOA हो गया, PAN हो गया, TAN हो गया, तो मैं कंप्यूटर में कुछ नहीं रखा हूँ, यहां से राइट क्लिक किया, यहां से प्लस शेयर में क्लिक कीजिए, करने के बाद इसका जो है कॉपी लिंक, गेट लिंक, यहां पे कॉपी लिंक पे क्लिक कर दीजिए, लिंक कॉपीड हो गया। अभी ये वाला जो लिंक है, मुझे क्या करना है, अपना TDL फाइल में डालना है। सॉरी, मेरा TDL फाइल ये रहा, इसमें मुझे जो पथ मेरा है, मैं सपोज ऐसी कोई कंपनी में डाल देता हूँ, कंपनी B2 में चले जाते हैं, देखिए मैं कहाँ डाल रहा हूँ,
कंपनी A2 में ये 15-16 का यहाँ पे मैं इसे डाल रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए। इसको मैं कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट मैंने जब कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर ये लॉग्ड इन है तो मेरे से कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी मेरे को टैली में जाके इसको TTL को फिर से रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने अभी अभी डाला है ना, इफेक्ट तो लेना पड़ेगा उसको। तो अभी देखिए मैंने A02 में गया, अभी यहाँ पे ITR कॉपी में 15-16 में दबाया तो ये मेरा गूगल ड्राइव से, मैंने जबकि GST का पाथ दिया है तो GST खुलेगा, आपको पाथ देना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली गूगल ड्राइव से आपका दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना सिस्टम में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पे और एक सिक्योरिटी का इशू है, मैं बताता हूँ। बहुत सुंदर इशू नहीं है, मतलब अच्छा बात है। मैं यहाँ से गूगल ड्राइव से अगर साइन आउट रहता हूँ तो क्या होता है वो आप देख लीजिए। इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से ITR कॉपी में गया, 15-16 दिया तो ये क्या करेगा, मेरे को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड। तो मुझे जो ड्राइव में मैं रखा हूँ उसका पासवर्ड देके इसमें घुसना पड़ेगा। तो इसका जैसे पासवर्ड दिया मेरे सामने रेडी, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं गूगल ड्राइव में रखता हूँ तो मेरे सामने जैसे नहीं रहता है, तो इसको मेरे को हर बार चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत एक आसान सॉल्यूशंस है, ये यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो किसी और से, ठीक है, गूगल ड्राइव से डायरेक्ट आप शेयर भी कर सकते हो, यहाँ से इसको डाउनलोड करके फिर उसको आप ये कर सकते हो। अभी छोटा डॉक्यूमेंट्स तो इंस्टेंट हो जाएगा, बड़ा डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड एक्चुअली, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। सो आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है गूगल ड्राइव वाला, क्योंकि आप कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, आप TTL जो आप इतना मेहनत से आप सजाओगे TTL को, डिज़ाइन करोगे, तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको आप डी ड्राइव में रख सकते हो। या फिर और एक ऑप्शन है, आप TTL को आपका ID से भी उसे लॉग इन कर सकते हो, उसके मतलब जैसे डालते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज, और आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लोग CA हो, आप लोग बहुत तेज है दिमाग आप लोगों का, तो आप इसको अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। ये लाइफ टाइम फ्री टूल्स हैं, आप लोग सारा जिंदगी भर इसे यूज़ कीजिए, कोई भी रिलीज से कोई मतलब नहीं है। टैली का कोई भी रिलीज़ हो, आप नया टैली रिलीज आएगा उसको अपग्रेड कीजिए, उसको इसको हटा के उसको कीजिए, बस TTL आपको ठीक रहना चाहिए, उसको पथ आपको डालना पड़ेगा, फिर से आपका चीज़ रेडी, आपका फाइल एक्सेस एकदम आसान। जितना भी क्लाइंट है, चुटकी में आप क्लाइंट का सारा डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ पे टैली में बहुत सारा कंपनी है, तो ये कंपनी का जो लोग एक्सेस कर रहा है वो कर पाएगा, या फिर आपका जो सीग्रेट का कोई बंदा है तो वो उसको भी एक डेमो कंपनी आप बना दीजिए, कोई भी उसका एक पासवर्ड बना के उसको दे दीजिए, वो तो उससे वो घुस जाएंगे, और उसके बाद उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बोलेंगे वो फटाफट प्रिंट आउट करके दे देगा या डाउनलोड करके मेल कर देगा, तो आपका काम एकदम आसान हो गया। कहीं पे फोल्डर पे ढूंढना वूंढना कुछ नहीं है, एकदम आसान, ठीक है। आप जब भी कोई फाइल फोल्डर एक बार स्कैन करके आप जगह पे रख दीजिए और उसका पाथ यहाँ पे डाल दीजिए, दैट्स इट, ओके। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा ये TTL, मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ, अपना लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस TTL को, इस मेरा वीडियो लिंक को शेयर कीजिए, ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके।
और देश भर के सब सीए फार्म इसका आनंद उठा सके। मेरा इरादा मैंने पहले ही बताया है और मुझे पूरा यकीन है मेरा इस नेक काम में आप सब मेरा साथ देंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कुछ बेहतरीन काम के साथ वापस आने का वादा करते हुए अभी के लिए मैं अभिजीत कुंडू आप सबसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।